17 सितंबर से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए रामनगर को राममय कर दिया गया है और रंग रोगन आदि का कार्य अंतिम स्तर पर है। रामलीला स्थलों पर सजावट और तैयारियों में जुटे आयोजक अब मुख्य किरदारों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप दे रहे हैं। रामचरितमानस के बालकांड के 175वें दोहों का पाठ भी अंतिम चरण में है। सभी को अनंत चतुर्दशी की शाम का बेसब्री से इंतजार है। रामनगर के रामलीला की खासियत यह है कि इसमें आधुनिक प्रचार प्रसार और तकनीक का कोई स्थान नहीं है। पूरा आयोजन 30 दिनों तक चलता है और 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, जहां हजारों लोग प्रतिदिन जुटते हैं। यहां न बिजली का उपयोग होता है, न ही माइक और लाउडस्पीकर का। कुंवर अनंत नारायण सिंह की शाही सवारी के लिए पागंबरी बग्घी की मरम्मत की जा रही है और पालकी सिंहासन मुकुट और आभूषणों को नए रूप में सजाया जा रहा है। रामनगर के रामलीला स्थानीय चाय पान लस्सी चाट के दुकानदारों के लिए एक महोत्सव जैसा होता है और वे भी अपने दुकानों को सजाने में व्यस्त हैं। 17 सितंबर से रामलीला शुरू होने वाली है, उसी की तैयारी में हम लोग एक महीना लगातार काम करते हैं। तो ये स्वेच्छा से करते हैं कि आपको कुछ पैसा भी मिलता है? हाँ, पैसा हमारा ठीका है। ठीका है, तो सिर्फ यहीं पे है कि और भी जगह जैसे रामलीला स्थल है वहाँ सब जगह? नहीं, 5 किलोमीटर के रामलीला स्थल में घूम घूम के काम करना होता है। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ कर दिए और रामबाग पोखरा पर जाएंगे जहाँ रावण जन्म होगा, फिर तारका बध, फिर फुलवारी, धनुर्जाग, इसी तरह से हम लोग न कटैया, भरत मिलाप, विजयादशमी सब कब से चले जाएंगे आखिरी तक राजगद्दी तक। कुल कितने की ठीका है आपकी? हमारा ठीका 35,000 रुपये का है। 35,000 रुपये? जी। तो आप अकेले काम करते हैं? नहीं, हमारा साथ दो हेल्पर हैं।